हरि पर्वत के शांति सागर सभागार में आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले एक विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। विनयांजलि सभा में सकल जैन समाज से जुड़े श्रद्धालुओं ने परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को विनयांजलि दी। अभी हाल ही में जैन संत परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की महाराष्ट्र में समाधि के समाचार से देश भर में जैन समाज के लोगों में शोक का माहौल बना हुआ है। शनिवार को हरि पर्वत के शांति सागर सभागार में आगरा दिगंबर जैन परिषद के बैनर तले एक विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। विनयांजलि सभा में सकल जैन समाज से जुड़े श्रद्धालुओं ने परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को विनयांजलि दी। देखिए, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का जालना महाराष्ट्र में संलेखना पूर्वक समाधि हुई है और वैसे तो प्रसन्नता की बात है कि समाधि संलेखना के साथ ली है, लेकिन दुख तो है, मात्र 61 वर्ष की आयु में वो हमें छोड़कर चले गए। आचार्य विद्यासागर के बाद यह दूसरे सबसे बड़े संघ के आचार्य थे और 4 महीने के अंतराल के बाद एकदम इनके जाने से हतप्रभ है जैन समाज। और आज आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर हम विनयांजलि दे रहे हैं। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का इस तरह चले जाना पूरे जैन समाज के लिए बहुत बड़ा घाव है और गुरुदेव ने सैकड़ों मुनियों को दीक्षा दी है, बहुत सारे आचार्य हैं जो जैन धर्म की पताका को आगे तक लेके जा रहे हैं, तो उनके शिष्य भी बहुत अच्छा जैन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। विनयांजलि सभा में गुरुवर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री सुनील जैन ने कहा कि परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का ताजनगरी में कई बार आगमन हुआ। ताजनगरी के भक्तों से गुरुवर का काफी लगाव था। 4 तारीख को सुबह जब पूरा भारत वर्ष सो रहा था तो जैन समाज का एक ऐसा सूर्य इस जगत से हमेशा के लिए अस्त हो गया। आचार्य श्री ने 20 वर्ष की उम्र में ही बैराग का जीवन चुना और अपने जीवन में उन्होंने 400 से अधिक साधु इस जैन समाज को दिए। बागई में ऐसे आचार्य श्रीयों का 6 महीने में 2-2 आचार्य श्रीयों का चले जाना जैन धर्म के लिए और जैन समाज के लिए बहुत बड़ा गहरा आघात है। पुण्य कहो क्या कहो कि हम उस दिन वहीं थे 3 तारीख को, गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दिया हमें, लेकिन शाम को ऐसा हो जाएगा इसकी उम्मीद तो नहीं थी। और शाम को उन्होंने सजग भाव में अपना समाधि मरण किया संलेखना पूर्वक। उनके संग के जो विवर्धन सागर महाराज थे उनको उन्हें सभी प्रकार का आहार और सभी चीज़ों का त्याग करा करके महाराज जी की संलेखना समाधि कराई। शांति सागर सभागार में आयोजित विनयांजलि सभा में मुनिश्री शिवदत्त सागर जी महाराज ससंग मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।